नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। चुनावी सीजन में तीसरे चरण के मतदान से पहले सियासी अखाड़े पर दंगल का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोर्चा संभाल रखा है। मोहन यादव दतिया में प्रचार कर रहे थे कि इस दौरान जनतंत्र टीवी से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। मोहन यादव के निशाने पर कांग्रेस थी और जुबा पर यह दावा कि अब की बार एनडीए 400 पार। और रहा सवाल एमपी का, तो वहां से 29 में 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव से खास बातचीत की हमारे मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ गौरव शर्मा ने। माँ पीताम्बरा की नगरी में आप देख सकते हैं दतिया में रोड शो यहां पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुली जीप में सवार हैं, उनके साथ मौजूद हैं बीजेपी की प्रत्याशी जो हैं संध्या राय। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरीके का स्वागत किया जा रहा है। मोहन यादव के साथ नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं। और ये दतिया का नज़ारा है, यहाँ पर रोड शो शुरू किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं आम जनता का। सर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं सर, जहाँ से देश की सत्ता का रास्ता खुलता है। आप यूपी भी संभाल रहे हैं, बिहार भी और मध्य प्रदेश भी। देखिए, माननीय भाजपा का, माननीय प्रधानमंत्री का चमत्कार है और भारतीय जनता पार्टी अगाध विश्वास है। मैं भाजपा का सिपाही हूँ, जहाँ जहाँ पार्टी भेजती मैं वहाँ सब दूर जा रहा हूँ। मैं तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली और इसके अलावा बिहार, झारखंड, जहाँ जहाँ पार्टी भेज रही है मैं पार्टी के प्रचार। मोहन यादव जी, एक बात बताइए, जीतू पटवारी जी ने आज एक बड़ा बयान दिया है, उससे इमरती देवी जी बहुत दुखद है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, इमरती देवी भाभी भावुक हो रही हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस के लोगों का सगल है। सोनिया गांधी जी को माफी मांगना चाहिए और जीतू पटवारी को बाहर करना चाहिए। सर, 29 सीटों में से खजुराहो में तो वैसे ही खजुराहो में पर्चा निरस्त हो गया। इंदौर में सर आपके पक्ष में आ गए हैं बम, बाकी 27 सीटों पर क्या कहना है सर मोहन यादव जी का? 29 की 29 सीट भाजपा की और देश में 400 पार। जगह जगह मोहन यादव जी आपका स्वागत हो रहा है, मध्य प्रदेश के अलावा भी का विश्वास हो रहा है और भाजपा के प्रति मोदी जी का भरोसा और मोदी जी के लिए जनता उमड़ी पड़ी है। हम तो निमित्त हैं और जनता मोदी जी के दीवानी, मोदीमय प्रदेश हुआ। सर, एक आखिरी सवाल है यादव जी, 400 पार कह रहे हैं सर मोदी जी? निश्चित रूप से 400 पार है। आप देखिएगा, उन्होंने कहा कि हम फुल मेजोरिटी बनाएंगे, 2014 मेजोरिटी बनाई, फिर कहा आपकी बार 300 पार तो 300 पार हुआ, आपकी बार 400 पार तो 400। एक बड़ा सवाल और आखिरी सवाल है, प्रियंका जी मुरैना में भावुक हुई, उन्होंने कहा कि विरासत की बात कर रहे हैं, विरासत टैक्स की, लेकिन मेरे पिता को विरासत में शहादत मिली है। ये बहाने बना रही है, ये जानते हुए कि जनता के बीच में उनका एजेंडा खुल गया है और सबके बीच ओपन हो गए, अब वो बच के भागना चाहती, इससे बचेगी नहीं, जनता माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दतिया की जनता, जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी है। नरोत्तम मिश्रा, पूर्व गृह मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। सर, दतिया में एक अद्भुत स्वागत, आपका अभूतपूर्व स्वागत। माननीय मोहन यादव जी का स्वागत है, उनके आने से लोगों में उत्साह है, उमंग है और माननीय मोदी जी का विजन है और मोहन यादव जी की लोकप्रियता है। सर, क्या कहेंगे मोदी जी, कह रहे हैं इस बार 400 पार। नरोत्तम जी, 400 पार कह रहे हैं? जो मोदी जी ने कहा वही मुख्यमंत्री जी ने कहा, वही मैं कह रहा हूँ। जीतू पटवारी जी पर क्या कहना सर आज बीजेपी ने पूरे? निंदनीय बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दतिया की जनता है, सड़कों पर जनसैलाब है, तस्वीरों में देख सकते हैं जगह जगह आतिशबाजी है और यहाँ पर मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है। 4 जून के नतीजे आएंगे, जनता फैसला करेगी। कैमरामैन राहुल सेठकर के साथ गौरव शर्मा, जनतंत्र टीवी, दतिया।